हमें छूने कह लेंगे। क्या यशोदा तुझे मक्खन खिलाती थी इसलिए उधर गया था? अब मैं क्या करूं, गरीब हूं, घर पे तो एक भैंस है, पूरे घर के लोग मुराले वाला में भैंस के दूध से पलते थे। वो तो जिस उस्ताद ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने पिता को हाथ जोड़कर मना लिया कि उस उस्ताद ने प्रेम से पढ़ाया तो उसको दे दे, भैंस तो उसको दे दी। घर वालों कोई दूध के सांसे हैं तो मक्खन कहां से लाएं? मैं मक्खन कहां खिलाऊं तेरे को? लेकिन तेरे को अपनी आंखों में बिठा रहा हूं ना, तू मक्खन का भूखा है क्या प्यार का? तू बता 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 प्रभु कैसा माधव। इसे करके रोते बाहर का देखे कि क्या ये तो विद्यार्थी है कि गजब का है। कभी वो चित्र लेकर सो जाते, कभी रोते, कभी हंसते कि तू मिलेगा, चलो ना भी मिले तो तेरी याद तो आती, तेरी स्मृति में बुद्धि तो बढ़ती है, तू कितना अच्छा है। प्रभु तेरा जो स्मरण करता है वो भी अच्छा हो जाता है ना। जो लड़के लड़कियों का स्मरण करते वो तो बदमाश हो जाते, लेकिन जो तेरा स्मरण करते वो तो महात्मा बन जाते, वो बनते ना धर्मात्मा होते, अच्छे हो जाते ना, क्योंकि तू अच्छा है, तू अच्छा है ना। इस प्रकार भगवान को प्यार दुलार करते करते एक सौभाग्यशाली रात्रि आई, सो गए, परम सौभाग्य जगाने वाली रात। सपने में आए वो गोलचंद्र, आंख मिचूनी खेल रहे हैं, कभी कन्हैया पकड़े गए, क्यों रे ए खोज लिया, दोनों ताल ठोकते हंसते, कभी तीर्थराम चुप जाते और कन्हैया उनको खोजता, और कहीं ऐसे चुप जाते कि कन्हैया को खोजने में परिश्रम होता। एक बार कन्हैया ऐसे ढंग से छुपा कि बाप रे बाप, अपना घर मुरा मुराले वाला का कोना कोना खोज लिया सपने में। तुलसी के क्यारों के पीछे कहीं लेट गया हो तो वो भी खोज लिया। अनाज की वो कोठियां उसको भी जांच लिया, मिला रही तो कहां गया रे? ए मेरे यार गोलू, ओ कन्हैया, ओ प्यारा, कहां गया तू? सपने सपने में खोजने लगे, मिले ही नहीं। हद हो गई, क्या जमीन तुझे निगल गई क्या रे? कहां छुपा है? बंद आंखों में सपने में खोज रहे और बड़बड़ा रहे, जमीन तुझे निगल गई क्या गोलू? क्या आसमान तुझे उठा के ले गया? तू कहां है रे? बड़े परेशान हुए, खोजते खोजते इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए कि तो बात हो। तो एक बार मिल, आंख मिचोनी करता है कि मुसीबत करता है, कहां तू खो गया? इधर से उधर से सपने में कहीं भटके, हाय बाप, अगर नहीं खोजता हूं तो बोलेगा कहां यार, और खोजता हूं तो तू मिलता ही नहीं, क्या जमीन में मिट्टी में मिल गया क्या, आसमान में लीन हो गया क्या? तू बड़ा लीलाधारी है, बोल कहां है रे? ओ मेरे यार गोलू, मिल जा मेरे बाप। कई बच्चे सपने में बड़बड़ाते लेकिन वो कृष्ण के सपने नहीं आते, फिल्म के आते होंगे। अब आगे सपने पापी सपने, छी भगवान के सपने, गुरु के साथ बात कर रहे हैं, भगवान के साथ बात कर रहे हैं। मैं भी भगवान के साथ गुरु के साथ सपने में बात करने के मजे लिया हमने खूब। हम तो फिर जागृत में भी बात करते जैसे तीर्थराम करते थे,
लेकिन हम अपनी शेखी बघारते ज्यादा। हमारी गुफा में सांप आया, हम इतना प्यार नहीं कर पाए जितना तीर्थराम काम ने सुना, तो हम तो शेखी ज्यादा बघारते। तीर्थराम का तो भाई हमारे से बहुत ज्यादा ऊंचा प्रेम रहा होगा। सांपों को दूध पिलाना और दो दो सांप कोठरी में रहे और उनके साथ रहना, ऐसा तो हम भी नहीं रह पाए थे जितना तीर्थराम का हमने सुना पढ़ा। हम शेखी बघारते ज्यादा, अपनी बढ़ाई ठोकते हम लोग। सच्ची बढ़ाई तो ऐसे पुरुषों की क्या क्या कहे। सपने में खोजते खोजते बेजार हो गए, चलो अब आखिरी बार खोजता हूं, नहीं तो सिर पटकूंगा। तू नहीं मिला तो सिर फोड़ दूंगा। कहां है रे गोलू, तू कहां छुपा है मेरे बाप मेरे ताऊ। अब आंख मिचोनी, हमने तोबा की 10 बार, हाथ जोड़े, अब मिल जा, कहां है तू। गए इधर उधर नहीं मिला, उधर गए नहीं मिला, संदल के नीचे इधर उधर, कहीं मेरे पीछे पीछे छाया कि नहीं तो नहीं घूमता है। तू धड़ाक से घूम जा, तू अभी तो नहीं है। आखिर तू कहां गया रे ओ धरती माता, क्या तू उसको निगल गई मेरे यार को, तू बता सपने में। अरे आसमान क्या हुआ, अरे काले बादल तो नहीं है जो काला समा जाए। इसे करते करते बड़े खिन्न हो गए और फिर खोजते खोजते धीरे से एक दरवाजे में शक गया और दरवाजे के साथ चिपक के ऐसे सटे थे गोलू के तेरे की। उसका दायां हाथ पकड़ लिया है, क्यों रे इतना ऐसा छुपा जाता है, कितना सताया, तेरे को कोई कहने वाला नहीं मिलता। ऐसा करते हुए अपना हाथ उठा के जोर से थप्पड़ दे मारी गोलू को, ऐसी जोर से थप्पड़ की गाल टमाटे छाप हो जाए। आंख खुली तो अरे ये क्या, मेरा आत्मा ही गोलू और मेरा आत्मा ही तीर्थराम। तू कहीं गैर था और मैं कहीं और था, ये हक में हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। एक ही एक है यहां, गैर का कुछ काम नहीं, जाते मुतलक में कहीं रूप नहीं नाम नहीं, ये एक शुद्ध चैतन्य ही ईश्वर कृष्ण और जीव तीर्थराम। सुना था एक परमात्मा है, अब पता चला कि हाथ भी उसी का और गाल भी उसी का, अब दांत तेरे की। प्रकाश हो गया कि यार हम तुझे मंदिरों में खोज रहे थे, मूर्ति में खोज रहे थे, आसमान से बुला रहे थे, तू ही दिल बरदाता होके छुपा था, मुझे मालूम न था। बस ध्यान मग्न हो गए। फिर तो वेदांत के ग्रंथ ईश्वर एक है वह ब्रह्म है भावना से भगवान कृष्ण राम शिव मानते मानते भावनाएं शुद्ध होती, मन पवित्र होता है, तब पवित्र गुरु का पवित्र उपदेश तत्व ज्ञान का गले उतरता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। फिर तो महाराज द्वारकापुरी के शंकराचार्य का सत्संग मिल गया, स्वामी विवेकानंद को खोज निकाला, स्वामी विवेकानंद के चरणों में पहुंच गए और विवेकानंद ने कहा कि मां मां करके हम भी रोते थे, लेकिन वही चैतन्य मां के